हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट को जोड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध धातु के लिए लोकप्रिय अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड 1245 करोड़ के निवेश के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाएगा। आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और अन्य आवश्यक छोटे हथियारों का उत्पादन होगा। जहां एक तरफ भारत की रक्षा शक्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ लगभग 6,700 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी की नगरी लखनऊ भी भविष्य के एरोस्पेस नोड के रूप में उभरने वाली है और इसके लिए विश्व स्तरीय सुपरसोनिक मिसाइल निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड से पहले ही बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। झांसी, जो कि मरम्मत और ओवरहॉलिंग उद्योग के लिए जाना जाता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा मिसाइल प्रणोदन प्रणाली के निर्माण के लिए निवेश का प्रस्ताव प्राप्त कर चुका है। इसी के साथ विश्व स्तरीय चमड़े, कपड़ा और रक्षा उत्पादन इकाइयों के लिए जाने जाने वाले कानपुर को बुलेट प्रूफ जैकेट, बॉडी आर्मर, गोला बारूद और विशेष कपड़ों के क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बुंदेलखंड में चित्रकूट, लकड़ी शिल्प उद्योग एवं खाद प्रसंस्करण के साथ गोला बारूद एवं अन्य रक्षा उपकरणों के निर्माण का आधार बनेगा। साथ ही भारत में चमड़े के सबसे बड़े क्लस्टर के लिए जाना जाने वाला आगरा जीरो डिस्चार्ज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ एक नए नोड के रूप में सामने आएगा। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। आइए हम सब मिलकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा दें और देश की रक्षा क्षमता को मजबूती प्रदान करें। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विकास की साझेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी।